बोल दे बोल दे बोल दे कौन आएंगे बल्लेबाजी पर गेंदबाजी पर ये देंगे छोटी गेंद और ये गेंद जाएगी वन बाउंस सीमा रेखा पर रन मिलेंगे चमचमाते खूबसूरत से एफ ओ जी आर इसी के साथ अनिल का ओवर समाप्त हो चुका है अनिल के ओवर में चार रन एक विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी पर छोटू आएंगे और स्ट्राइक पर पार्थो एक और बारी खराब गेंद बोल सकते हैं छोटू को देखा था रामपुरा सब डिवीजन में ड्यूस के साथ खेलते हुए लेकिन आज नजर आ रहे हैं वो टेनिस क्रिकेट के साथ वो शॉर्ट हैंड क्रिकेट के साथ पूरा फॉर्मेट अलग है यहाँ पर देखने वाली बात ये रहेगी बॉल टच देना नई गेंद मिली है छोटू को क्या नई गेंद को क्या नई गेंद तो गेंदबाज काफी पसंद करते हैं क्या लहराती हुई नजर आएगी क्या ये देखिए जनाब नई गेंद के साथ रन का प्रयास वो जड़ में रखने का प्रयास करते हुए क्या करेंगे अगली गेंद पर भाई साहब कहीं ना कहीं थोड़ा सा गति अच्छे लेकर पे पैर रखते हुए छोटू अगली गेंद पर ये देखिए बोर्ड को बदलेंगे साइड को चेंज करेंगे राउंड दो विकेट आएंगे इस बार लाइट बॉल का इशारा किया है मैच ऑफिशियल एक्स्ट्रा के झोली पर पांच रन जाते हुए इसी के साथ चाटा सा जा रहा है भाई साहब इस गेंद को कहीं ना कहीं ये मोल्लरपुर बॉयना मोड़ की तरफ भेज दिया है गेंद को उठा के लाइए इसी के साथ एक और चौका गेंद एक और बार पहुंच सकती थी लेकिन बल्ला पहले नीचे आया है लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर नाउ राइट बॉल प्लस राइट प्लस फोर राइट प्लस फोर ओके पांच रन एक और छोटी गेंद दादा पनिशमेंट तो देंगे बल्लेबाज पार्थो आपको एक और चौका इसी के साथ एक खराब ओवर बोल सकते हैं दो ओवर की समाप्ति पर नंदी इंटरप्राइज का टोटल स्कोर 26 एक विकेट के नुकसान पर दो के बाद 26 पर एक नंदी इंटरप्राइज गेंदबाजी पर वही आएंगे एक और अनोय पिछले ओवर में गोपाल दर्जी की गेंदबाजी करी थी इन्होंने इस बार नहीं बख्शेंगे जनाब इस बार ये नांटू जी नहीं है एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है और दोनों तरफ से अनय गेंदबाज की भरपूर पिटाई है इस बार साइड को चेंज करेंगे अनय लगातार तीन गेंदों पर तीन चौके पिकू पिकॉन ओके थोड़ा सा बातचीत करेंगे अनय इससे पहला वाला ओवर जो अगर बात करें ना अच्छा ओवर सफल ओवर समाप्त हुआ था उनकी तरफ से लेकिन इस दूसरे ओवर में थोड़ी सी पिटाई नजर आई है क्या कम बैक कर पाएंगे क्या उन्हें चलिए भाई साहब अंबुजा सीमेंट की दीवार को खड़ी करी है इतनी असरदार रहने वाली है भाई साहब कुछ असर नहीं पड़ेगा जनाब ये पिकॉन इज ऑन फायर पहुंच चुका है ये फटक बल्लेबाजी करते हुए जरीर करते हुए आवाज में से गेंदबाज को बदला ले रहे हैं पिछले ओवर में जैसे नंदू जी को परेशान किया था इन्होंने थोड़ा सा नीचे रह गए बच गए बल्ला थोड़ा सा लेट नीचे आया लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर इसी के साथ ओवर की समाप्ति एक अच्छा ओवर बल्लेबाजी नंदी इंटरप्राइज की तरफ से तीन ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 42 एंड द लॉस ऑफ वन विकेट डाउन तीन ओवर से नंदी इंटरप्राइज दो ये रन संख्या 42 एक विकेट रिमेन हुआ है आ
गेंदबाजी पर पापोन आएंगे, पापोन जी का भी स्वागत करेंगे जनाब ये चौके के साथ इस ओवर का। 42+4 6 runs, रुको जरा सबर करो और पार्थो जी की बल्लेबाजी में भी गौर करो, वापसी करते हुए नन्ही इंटरप्राइज के बल्लेबाजी है। ओ भाई साहब ये एक और बार हेडशॉट पड़ा है ये पार्थो जी को। ओ माय गॉड, ये भाई साहब ने देखे जाए आधे दर्जन रन, इसी के साथ शॉर्ट हैंड क्रिकेट में आधे दर्जन रन से कुछ काम नहीं होता है, इट्स अ विकेट है। चलिए एक और नए बल्लेबाज के रूप में आएंगे, पूमा की क्या पहने सीना खान, अच्छी गेंद, थोड़ा सा इस गेंद में उछाल कम मिला था जिस कारण नहीं बन पाए तुहीन, अच्छा कमबैक ओवर, लास्ट टू बॉल डॉट रही थी, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। चार ओवर के समाप्ति पर नन्ही इंटरप्राइज का टोटल स्कोर हाफ सेंचुरी मतलब 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर नियामल, भाई साहब नियामल को देखा था उस दिन, गति है इनके पास, गति से बातचीत करते हैं लाइक मयंक शर्मा। इस बार अच्छा शॉट खेला था, इंडिकेटर राइट साइड का दिया था लेकिन गाड़ी मोड़ी है लेफ्ट साइड में, दिस इज नॉट अलाउड तुहीन जी, चालाकी भरा शॉट लगाया था ये नियामुल को, क्या करेंगे अगली गेंद पर। चलिए अच्छा सेव है वहां से, रन बचाए अपनी मैच ऑफिशियल सोना बैनर्जी चेक करते हुए, डिसीजन अब तक पेंडिंग है, सेव है, अच्छा क्षेत्ररक्षण का मुजाहरा वहां से विकेट कीपर की तरफ से, रन बचाए अपनी टीम के लिए, काफी मूल्यवान रन बोल सकते हैं आप। इट्स अ फेयर डिलीवरी, काफी ये लास्ट बॉल टकी हुई है, चार पहले चलिए दूसरे इनिंग्स में मैं अर्पण मुखर्जी आप सभी का एक और बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पहला इनिंग्स काफी अच्छा रहा, 59 रन्स, चलिए 59 रन्स और विराट 7 स्टार को इस मुकाबले को जीतने के लिए 5 ओवर में वो 60 रन की है दरकार। सामने लोकसभा निर्वाचन आने वाला है, विराट 7 स्टार अपनी सरकार बनाएगी या नन्ही इंटरप्राइज अपनी सरकार बनाने वाली है, देखना दिलचस्प रहेगा। तो दर्शक एक बार जोरदार तालियों से इस मैच की शुरुआत कीजिए। बल्लेबाजी पर पापन, गेंदबाजी पर राहुल, राहुल को काफी दिनों के बाद वो देखिए शॉर्ट हैंड के लेजेंड बोल सकते हैं, पिछले एक तरफ पर पतिक भंडारी बातचीत करते हुए
पैसा छ पैहत्ती गेंदबाज राहुल तैयार बाएं हाथ के गेंदबाज बल्ला काफी नीचे आया था जल्दी और अच्छी गेंद बाएं हाथ से अच्छी गेंदबाजी करते हैं वो 60 का लक्ष्य है थोड़ी सी बातचीत करनी पड़ेगी यहाँ से क्या चेस कर पाएंगे क्या 60 रन के लक्ष्य को पहले बल्लेबाजी कर कर क्या वो टीम क्या जीत पाएगी क्या टॉस जीता था उस टीम ने राइट बॉल का इशारा मैच ऑफिशियल जीत हुआ रहा अच्छी अंपायरिंग का मुजहरा चलो बैनर जी की तरफ से चलिए काफी खूबसूरत ये शॉट है ये गेंद को काफी दूर भेज दिया है सप्तम एक और व्हाइट बॉल का इशारा राहुल ऊपर रखने का प्रयास और वापस इंट्रक्शन करेंगे नंटू गेंद को नहीं जाने देंगे गेंद थी कुछ अच्छी चाल थी इस गेंद पर नहीं पड़ पाए जिसको सप्तम जी जोर से मारने का प्रयास गेंद जाएगी सबूत फंसे कुछ चीरिए चच्ची रन इसके साथ ओवर की समाप्ति एक ओवर की समाप्ति पर 11 रन एक ओवर से 11 बिना गेंदबाजी पर कौन आएगा चलिए अपने होम ग्राउंड पर गेंदबाजी करेंगे कौन करण शर्मा ओ माय गॉड ये कितनी अच्छी गेंद थी ना उससे खूबसूरत ये पापन जी का ये शॉट था सुंदर अद्भुत ये खिलाड़ी होनहार ये लड़का पापन जंपिंग शॉट बोल सकते कंगारू शॉट बोले क्या नाम देंगे शॉट का चलिए गति में परिवर्तन करने का प्रयास गति में परिवर्तन मिशन करते हुए राउंड द विकेट इस बार कहा भी लगे बस रन आने चाहिए कैसे भी करके फुल कोरे लेके कैसे देखा जाए अपनी क्वालिटी करते बारे बैट्समैन पपोन घटना टीका था लेकिन नहीं कर पाए इस गेंद को सीधा करके खेल सकते थे क्या इस गेंद को अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं चलिए इस बार सीधा खेलने का प्रयास लेकिन कवर्स डिफेंडर वहां पर तैनात रहेंगे व्हाइट बॉल लेकिन व्हाइट बॉल इस गेंद को फिर से डालना पड़ेगा करण जी को नहीं पड़ पाए थोड़ा सा लेट बल्ला नीचे आया था क्योंकि गेंद ये हाई आर्म जो एक्शन है ना इनका ऊपर से अपने हाथ को लाते हैं ना बल्लेबाज परास्त हो जाता है उस गेंद पर इसी के साथ ओवर की समाप्ति दो ओवर की समाप्ति पर ये लास्ट 7 स्थान का टोटल स्कोर 20 गेंदबाजी पर आएंगे नांटू बल्लेबाजी पर सप्तम जी चलिए ये भाई साहब जी कैच पकड़ा है क्या छक्का लगा दिया आधे दर्जन रन जाना पड़ेगा सप्तम जी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन जो फ्लिक शॉट लगाया था ना वो कैलकुलेशन नहीं कर पाए वो इंचों का डिफरेंस रह गया था चलो बल्लेबाजी पर लंबे लंबे छक्के देखे गए इस बल्लेबाज की तरफ से नियामन यहाँ पर छक्के मारने से काम नहीं था ओह माय गॉड कैरिबियन खिलाड़ी बोल सकते हैं ताकतवर खिलाड़ी है पावरफुल ये खिलाड़ी रसल द मसल बोल सकते हैं इनको बल्ला काफी जोर से चलाते हैं ये थोड़ा सा सावधान रहिए जड़ में रखने का प्रयास इस बार अपील करेंगे वहां से बल्लेबाजी पर
बुमरा का वो फ्लिप फ्लॉप स्लीपर, थोड़ा स्टाइलिश बल्लेबाज बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज पिट्टू। चलिए जनाब, ये बाएं हाथ का बल्लेबाज है, लेकिन कहीं ना कहीं आरजी इंद्रो की याद दिलाती है इस बल्लेबाज ने। चौकी के साथ स्वागत करेंगे। इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति, तीन ओवर से विराट सेवन करे दो रन संख्या का तो 28 रन। और दो ओवर को तो लगभग दो ओवर में 32 रन की दरकार यहां से। स्वागत करेंगे एक और बार पापोन, वही गेंदबाज करण शर्मा और बल्लेबाज ही पर पापोन, ये मेन विकेट रहेगा वहां से। नन्ही एंटरप्राइज की तरफ से पापोन जी का मेन विकेट रहेगा। यहां से बिट्टू क्या करेंगे, क्या छोर को बदलेंगे, स्ट्राइक को देंगे क्या पापोन जी को, या खुद ही चौका लगाएंगे। चलिए बल्लेबाज के लिए एक ऑफर आ चुका है, तीन गेंदों पर अगर बल्लेबाज दो चौके लगा पाएगा तो उस बल्लेबाज को 500 रुपए का इनाम गिवन बाय सोनू शर्मा की तरफ से। चलिए बाहरी किनारा और बल्लेबाज पवेलियन की तरफ जाता है वो बिट्टू। बल्लेबाज के लिए ऑफर अभी भी जारी है, तीन गेंदों पर दो चौके और 500 रुपए लेकर जाइए सोनू शर्मा की तरफ से। प्रयास पैडल शॉट दिखाया बल्लेबाज ने। एक और चौका अगर आता है इस गेंद पर लास्ट गेंद पर एक चौका चाहिए, क्या मार पाएंगे क्या। ओ माय गॉड, 500 रुपए सोनू शर्मा के जेब से निकलने वाले थे लेकिन उसको अंदर रखिए जनाब। व्हाइट बॉल हुआ है क्या जनाब, व्हाइट बॉल हुआ है अभी बाकी है। लास्ट बॉल रिमेनिंग ऑफ दिस ओवर नाउ। सोनू जी ने 500 रुपए तो निकाल लिए हैं, अब वो किसके जेब में जाने वाले हैं, सोनू शर्मा के जेब में खुद जाएंगे या सामने बल्लेबाज के जेब में जाएंगे। 500 रुपीज। सोनू शर्मा का अनुरोध करूंगा कि बल्लेबाज को 500 रुपए देकर आइए, जल्दी जल्दी जाइए सर, जल्दी, काफी वाइटल मैच। जोरदार तालियां बजा कर सके एक बार ले लीजिए सर, तो जरा आप तालियां प्लीज। अच्छे बने रहिए सोनू शर्मा, इस वर्ल्ड रामा चैंपियंस ट्रॉफी में काफी अच्छा लग रहा है कि आप इस टूर्नामेंट को देखने आए हैं। एकदम ये मैं बोलता हूँ, ये मैं करता हूँ, और मेरा सोनू शर्मा है। Thank you.
सोनू शर्मा के तरफ से I'm going to go to the hospital.
না না ইউটিউব আরএক্স স্পোর্টস Next mukabla Team Bunty versus Nandi Enterprise. Nandi Enterprise ka ek aur mukabla. Pichla mukabla Virat 7-4 se hari thi. तो दूसरे मुकाबले को क्या पहली जीत के साथ क्या शुरुआत करेंगे नंदी एंटरप्राइज वर्सेज टीम बंटी लॉर्ड राणा चैंपियंस ट्रॉफी का जो ट्रॉफी है ना वहां पर यूनिक कैसे नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले कोलकाता में गोल्डन ट्रॉफी हुआ था,
इसी के तरह वुडन कप ये भी वुडन कप के तरह ही है, दुर्भाग्य का वुडन कप बोल सकते हैं। मांगने पैसा मांगे हमने जरा दारू नहीं थी लगा दी वेट कर दो भाई प्लीज। রাজা রাজা তুমি কোথায় আছো প্লিজ মাঠে আসো না খেলা আছে রাজা ফ্রম রামপুরহাট যাবা শুরু ग्राउंड में नजर आ रहे हैं ऋषि चलिए राजा जी की ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई थी उसी कारण थोड़ा सा लेट पधारे हैं ग्राउंड पर तो वेलकम राजा इन द लॉर्ड रामा चैंपियंस ट्रॉफी नांटी जी आपके लिए ऑफर है प्रथम ओवर जो अपनी चारटे चार मारते पर तो 500 टाका पुरस्कार रही है गिवन बाय सोल्यूशन गेंदबाजी पे छुट्टी राजा आएंगे गेंदबाजी पर हाँ हाँ की कोशिश सुनिश्चित थोड़ा सा हटेंगे राजा जी का स्वागत किया नांटू ने चौकी के साथ ज्यादा ऐसा दिखाई नहीं देता है पिछले मुकाबले में वो अच्छी शुरुआत नहीं मिली थी लेकिन इस बार राजा को टारगेट कर रहे हैं नांटू जी और दो चौके इस ओवर में तो 500 रुपए का इनाम ये चौका हो सकता था जनाब ये चौका हो सकता था वहीं भूल कर बैठे हैं चलिए झटका लगता हुआ यहाँ से क्या राजा वापसी कर पाएंगे क्या
बल्लेबाजी पर भी कौन आएंगे, कौन ने गेंद को चक्कर करवाएंगे और अंपायर की दिशा में इस गेंद को भेजेंगे। चलिए चौका जोरदार अपील तो कर रहे हैं आज के दिन के लिए। झटका लगता हुआ जाना पड़ेगा यहाँ सती कौन को और सफलता। चलिए नंदी इंटरप्राइज एक ओवर से नंदी इंटरप्राइज दलियों रन संख्या 12 एक विकेट के नुकसान पर, तो दो विकेट के नुकसान पर एक ओवर से 12 रन दो विकेट के मामले। अच्छी वहां से विकेट की तरफ अपने आराम सौरभ की तरफ से गेंदबाजी के लिए ऑफर आ चुका है। अगर अगर गेंदबाज इस ओवर में दो विकेट निकाल पाएगा तो 300 रुपए 200 रुपए का इनाम उस गेंदबाज को। 300 रुपए बल्लेबाज बल्लेबाज को जाना भाई साहब। ये अच्छा बल्लेबाज है, खड़े होने से पहले बल्लेबाज खुद पवेलियन की तरफ पहुंच चुका है। अब आएंगे स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज करण शर्मा। दो गेंदों पर दो चौके कितना 200 रुपए। डॉट बॉल के साथ ओवर एसेस बल्लेबाज अगर 4 चौके मार पाएगा इस ओवर में तो 500 रुपए का इनाम और गेंदबाज अगर इस ओवर में 2 विकेट निकाल पाएगा तो उस गेंदबाज को 200 रुपए का इनाम सुनील शर्मा की तरफ से।
तीसरा ओवर ये प्रगति पर चलता हुआ स्ट्राइक पर रहेंगे तो ही लगा के लेकिन वहां पर रहेंगे सुमंत घोष मैन फ्रॉम द किंगडम हो सकता था क्या एक थोड़ा सा गेंद काफी दूर थी लेकिन अच्छा प्रयास बोलेंगे सौरभ के तरफ से और स्लिप नहीं गया वहां पर क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास हिट किया था वहां पर जसीम रहमान जी ने लेकिन बच गए बल्लेबाज तुहीन एक और बार गई है एक और बार सीमा के पार गई है चार रन लेकर जाएगी गेंद इस बार स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ 31 रन बोर्ड पर मारने का तो प्रयास किया था लेकिन इस बार क्षेत्र रक्षण कौन करेंगे ऋषि राजकुमार तीन ओवर से 31 रन तीन ओवर की समाप्ति पर 31 बल्लेबाज ओवर में अगर 300 लगा पाएगा तो इस बल्लेबाज को 300 रुपए का इनाम इस ओवर के लिए Thank you.
सोनू जी आप अपना ऑफर इस बार आपको बताइए। लास्ट ओवर में विकेट लेने से 200 रुपये। चलिए ये भाई साहब राहुल है, ये राहुल गेंदबाजी की बत्ती गुल के साथ फोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ 4 ओवर समाप्ति पर 40 रन। 3 विकेट के नुकसान पर स्ट्राइक पर आएंगे तो ही 2 विकेट और 200 रुपये का इनाम गेंदबाजी को। बल्लेबाजी के लिए 3 चौके पर 300 रुपये। इधर व्हाइट बॉल का इशारा करेंगे मैच ऑफिशियल विक्टर। गेंद को फिर से डालना पड़ेगा यहाँ से, छोटी गेंद है, खराब गेंद है, छोटी गेंद शॉर्ट हैंड में मतलब पनिशमेंट तो जारी है। जैसे हम सभी जानते हैं बाहुबली में कटप्पा और शॉर्ट हैंड क्रिकेट टूर्नामेंट में गेंदबाजी का टप्पा काफी मायने रखता है। इस बार कहा जाएगी गेंद गेंदबाजी पर जशी में गेंदबाजी पर जशी रहमान सामने तो ही ऊपर 1 चौके 200 रुपये। Thank you.
দিগেশ্বর ভাই चलिए गेंदबाजी पे बदलाव होगा, करण शर्मा आएंगे वापसी करते हुए गेंदबाजी पे। दो गेंदों पर दो चौके आ चुके हैं, सोनू जी निकालिए 500 रुपए का आप नोट। दर्शक ने दर्शक बनेंगे यहाँ पर फील्डर, इसी के साथ जाना पड़ेगा ऋषि जी का पवेलियन की तरफ। ऋषि का विकेट वो बड़ा विकेट, पांच ओवर में 56 का लक्ष्य है। बल्लेबाजी पर सौरभ आएंगे, टीम में अगर बात करें बल्लेबाजी है इनके पास, चलो बल्लेबाजी कर सकते हैं, जश्न भगवान है इस टीम में। इस बार दूर से इस गेंद को ट्रेवल करवाएंगे, एकदम सीमा के उस पार भेजेंगे इस गेंद को। वन बाउंस चौका, करण शर्मा को 200 रुपए का इनाम सोनू शर्मा की तरफ से। चोट के बावजूद भी वो ग्लेन मैक्सवेल की तरह वापसी करते हुए गेंदबाजी पर। सोनू जी ओवर में ऑफर रखिए, आप कितने चौके देंगे? 3 चौके 70 रुपए, 300 रुपए। तो सोनू शर्मा की तरफ से 200 रुपए का इनाम करण शर्मा को, ओवर में 2 विकेट। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। ¡Ah,
यहाँ पर जसीम रहमान जी के लिए कितनी दीवार खड़ी कर रहे हैं ये, एक दो देखने वाली बात रहेगी। ये दो ये अंबुजा सीमेंट की जो तो दीवार खड़ी कर रहे हैं जसीम रहमान के सामने, तो कितने असरदार रहने वाले। गेंदबाजी पर रहेंगे तुझीन, तो गति से गेंदबाजी करेंगे, क्या गति का फायदा उठा पाएंगे क्या जसीम रहमान। चलिए नेक्स्ट का स्टार्ट करो जी, तो दर्शकों के लिए जरा हाथ तालियां जसीम, तो जरा हाथ तालियां खुद है खुद है एवरीवन। चलिए तुहीन जी फ्रेश वन ओवर द विकेट। जसीम रहमान को गेंदबाजी करते हुए हैट्रिक चौके पर 500 रुपए का इनाम है पर सोनू शर्मा की तरफ से जसीम रहमान को। दो गेंदे जसीम रहमान को अब तक खामोश रखा सुनील ने। अब मजा आने वाला है, यूट्यूब चैनल जितने आर एक्स स्पोर्ट्स वाले हैं ना, तो यहाँ पर टैग लगा दीजिए, एक तरफ जसीम रहमान वर्सेस तुहीन। वाइड बॉल का इशारा यहां से मैच ऑफिशियल के द्वारा। लगातार तीन गेंदों पर तीन चौके लगाइए और 500 रुपए लेकर जाइए। इस अंपायर सिद्धांतों ने तुरंत मैंने बंद करा हो, अंपायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन इन दिस लॉर्ड रामा चैंपियंस ट्रॉफी। डोंट आर्ग्यू विद द अंपायर,
चलिए रोहित मंडल की तरफ से 500 रुपए है। चलिए इस बार इस गेम को उठाकर लाइए बाउंड्री के पास, मिलेंगे 4 रन रहमान जी के बल्ले से। 17 रन बोर्ड पर लग चुके हैं, टारगेट 54 का है ना सर, 56 का टारगेट है वो। चलिए इस बार घुटना टेका था और रहमान जी ने, लेकिन अच्छा क्षेत्र का रन बचा अपनी टीम के लिए। लास्ट टू बॉल में ना तो केवल ना जस्टिन रोमन इज ऑन स्ट्राइक, ब्यूटीफुल बॉल, जोरदार अपील, जहाज अपील, गंपा का लेग अंपायर तपन का लेग से मूव ऑन। इट्स नो बॉल और मना करेंगे वहां से, तपन जी बोलेंगे टीम जी को अपने उस वंदे भारत की ट्रेन पर थोड़ा सा लगाव लगाइए आप, थोड़ा सा ब्रेक निकाल दीजिए। लास्ट गेम पर अगर चौका मारते हैं सुमंत को 100 रुपए का इनाम।
शेनी शर्मा की तरफ से। सौ रुपए से लेके जाइए श्रीमंत घोष को, 100 रुपए का इनाम सोनू शर्मा की तरफ से। सोनू शर्मा देखिए प्राइस है, घंटा बोल रहे 3 ओवर के समाप्ति पर 31 रन, 2 ओवर में कितने रन चाहिए? 12 बॉल 25 रन प्रयोजन, 2 ओवर में 25 रन की दरकार है यहाँ पे। थैंक यू सो मच सोनू शर्मा फॉर गिविंग द गोल्डन प्राइज टू सुमंत घोष। चुके हैं 4 ओवर में, 2 ओवर में 25 रन की है दरकार। गेंदबाजी पर क्या खड़ी करने वाले नहीं क्या सामने रहेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज सुशील रहमान। लास्ट ओवर में काफी किफायती रहने वाला है। हैट्रिक चौके पर 1000 रुपए का इनाम है जसवीर जी आपके लिए सोनू शर्मा की तरफ से, 1000 रुपीज।
I'm going to go to the hospital.
হ্যালো তুমি তো তোমার জন্য একটা অফার তিনটে বলে তিনটে চার মাত্রা বললে পাঁচ টাকা মাঠের মধ্যে আম্পায়ারের ডিসিশনে বল দাও গো কি বলছে ঝামেলা করছে বলে দেয় একবার বলে দেখলে ছোট ভাই বলতে বল মাঠের মধ্যে যেই সমস্ত প্লেয়াররা আর্গুমেন্ট করছে আম্পায়ারদের সাথে কমিটির সিদ্ধান্ত রয়েছে প্লিজ আপনারা কিন্তু আর্গুমেন্টে যোগ দিন আদারওয়াইজ কিন্তু মাঠের মধ্যে আম্পায়ারের সাথে কেউ আর্গুমেন্টে যোগ দিন এটা কমিটির ইন্টারফিয়ারেন্স সিদ্ধান্ত কিন্তু তুমি বাংমান ওইদিকে দেখো এইদিকে কোনো বাল ছাল নাই তোমার কি কাজ এইদিকে আশেপাশে লই গুরুমারি এক কিলো ভেঙে দেবো গুরুমারা দেখো তুমি দেখো গুরুমারা তুমি এইদিকে দেখো এইদিকে লই ওইদিকে এইদিকে বলে কোন চিন্তা নাই ঠিক আছে যা হবে সামনে তুমি You are the winner of this match now. So Jashim Rahman Jita will bring a Jita. So congratulations. The next match of this tournament. Tiku versus Simul. I will tell you the captains will come on the pitch for the toss. Team Tiku versus Simul. Team Simul. মাই ইনস্টাগ্রাম আইডি নটি বয় রাহুল 130 চলাই প্যান্ট খোল তাহলে
কান্ড খুলে আয় লাইভটা নেই এদিকে বলি তাহলে হ্যাঁ দুই ভাই যা ভাই তো লাইভ চলছে না আমাদের ভাই আবার কি রাতে বেলা যাবো হয়ে গেল কাজে আমার এখন গাড়ি না রামপুরের ছেলে ঝগড়া করতে আসে নিজের উপরে ঝগড়া সব রকম আমরা দু তিন করে দেখো নানটা দুটো ডিম করেছে একটা হেড জল দিয়েছে মারা তো মুরগি চোর লাগছে মনে হয় ওকে খেয়ে দিয়েছে নাকি হ্যাঁ খেতে পারে না মানে খায় এসছে ঝগড়া করছে তোমার ঝগড়া করছে মত খেয়ে গেছে অফিসে হ্যাঁ ওই না অফিসে নানটা তো ঝগড়া লাগছে মত খেয়ে উঠছে তো হ্যাঁ ওরা তো বলে দিলি হয় বোতল জানি চলে গেল মানে সত্যি মারবে চলে গেল কোথা গেল বড় ঘুমাতে কি হচ্ছে মত খাবি মত খাবি প্রান্তটা ভালো লাগে কবে কথা গেল নিয়ে পালাল নাকি হ্যাঁ
ওদের হাতে বলগুলো গ্রিপ করেছে বলে বোঝা যায়নি, বোঝা যায়নি ঠিক, আর ই ঠেলেছে বলে বোঝা বোঝা যাচ্ছে ঠিক। বল জোরে করলে এক্সট্রা তোমার যেরকম বল করছে चलिए एक और बड़ा मुकाबला आप सभी के समक्ष छोटो रील लाइव चलते चलो असुविधा नहीं लाइव चलते काटते हो गए। तो ये मुकाबला जो कि खेला जाने वाला टीम पीकू वर्सेस सुमुल के बीच, टीम पीकू के कप्तान ने टॉस में जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है, पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे टीम सुमुल, क्यों सुमुल की वो टीम बल्लेबाजी पर नजर आएंगे बुआ बिल्ड अप और एरिया, और गेंदबाजी कौन करेगा बॉलर ने एक देखने के सामने का बैठो बैठो यहाँ पर बैठो एक तो सोरे बस गेंदबाजी पर इम्तियाज रहेंगे। अरे भाई खेलते लागलो की बेपार দাদা খেলতে লাগলো কি ব্যাপার দাদা খেলতে লাগলো হঠাৎ করে তবে মানা বস একটাই হ্যাঁ डायरेक्ट हिट तो लगाए क्या बबलू जी को जाना पड़ेगा क्या लेकिन यहाँ से গেমবাজী পর ইমতিয়াজ তৈয়ার হ্যাঁ लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन क्या परेशान करेगा क्या इस टीम को राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे मंजीत को चेन खुला लाइव जो बाजी बनी नहीं सीधा खेलने का प्रयास है पीछे प्रतीक भंडारी मैन फ्रॉम इलम बाजार क्या दूसरा ओवर क्या उन्हीं को जाना पड़ेगा क्या वो कप्तान यहां से देखिए मुझे लगता है प्रतीक भंडारी को दूसरा ओवर भेजेंगे एक ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर ओनली 10 इन द लॉस ऑफ 0 विकेट डाउन दूसरा ओवर कप्तान जाएंगे इलाम बाजार की तरफ वो बिरभूम की शान पथिक भंडारी और सामने रहेंगे कौन बुआ बिल्ड अप और एरिया जो अपनी एरिया को बिल्डअप करना जानते हैं लेकिन वो बिरभूम का गेंदबाज इलाम बाजार का वो छोटा नन्ना सितारा सामने शॉट फेंक के चमकीले सितारे को क्या खामोश रख पाएगा क्या चलिए और गेंदबाज नहीं पूरी गेंदबाजी टीम को होने वाला है काफी काफी तो खेलेंगे चार ये क्या है सर ये आंख का गोला फेंका है लामा जर से ही मोलरपुर की तरफ व्हाइट बॉल इट है सर की पढ़ने के बाद अंदर की तरफ आई थी बायां हाथ के बल्लेबाज क्या ये रन हो सकता था क्या ये लेकिन मना करा वहां पर बबलू जी ने है बस इस मत मैं गाली से ये दूध चुका थे मांग मांग मत दो नहीं बाल
आगे रखने का प्रयास और विकेट के पीछे का विशाल शॉट एंड फ्रॉम बोलपुर विकेट कीपिंग का वो रोल निभाते हुए माय गॉड चलिए भाई सब गेंद ने कांटा बदला है तीन जाएगी सीमा देखा पार रन मिलेंगे और कितने से चार इसी के साथ 19 रन बोर्ड पर लगते हुए दूसरा ओवर ये प्रगति पर बल्लेबाजी करते हुए क्यूट सिमुल की वो टीम गेंदबाजी पर पथिक भंडारी Oh my God, ये बाहरी किनारा ये मोटा किनारा लगा था सीधा हो जाएगी सीमा ओवर दो विकेट और कितने रन देकर आधे दर्जन रन इसके साथ रन संख्या कितना दो ओवर की समाप्ति पर 19 रन इन द लॉस ऑफ वन विकेट और वो वन विकेट किसका वो बड़ा विकेट पुआ जी का विकेट दूसरा तीसरे नंबर पर कौन आएंगे पता है वो मुर्शिदाबाद की शान नवाबों के शहर मुर्शिदाबाद से आने वाले हैं विश्वजीत पिशु कर 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 वाला लग चाहे हाय गाइस कौन गेंदबाजी करने वाले हैं क्या रॉकी गेंदबाजी करेंगे क्या हाय हेलो ओए ओए दड़ा 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 कैमरे को छोड़कर गेंदबाजी पर नजर आने वाले हैं कैमरे को हिलकर रॉकी की तरफ कर लीजिए ए गुटाई लो बात अभी तो चलिए गेंदबाजी के लिए दो अगर गेंदबाज इस ओवर में दो विकेट निकाल पाएगा तो ₹200 और बल्लेबाज के लिए तीन चार ओए ओए ये हुआ है जगह चलिए तो भाई छोटी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर पनिशमेंट को देंगे यहाँ पर तब लीजिए मुझे इंडिकेट करते हैं जो दोनों अंपायर बातचीत करेंगे यहाँ से कितने रन हैं सर ना खबरदार खाए बीस चलिए मजबूत दीवार है ये दो को दीवार खड़ी करी है ये टीम ने ओह माय गॉड थ्रू द कवर्स इनटू द हैंड्स गॉन्स लाइक अ ट्रेजर बुलेट Safer you are. One more time. Hit by the batsman of blue. एक और बार घुमाया है लेकिन इस बार वो मिड ऑफ के फील्डर खड़े रहे तीन ओवर के समाप्ति पर 28 रन एक विकेट के नुकसान पर अंतिम दो ओवर चलिए अपने स्पेल का वो आखिरी अपना दूसरा ओवर लेकर आएंगे कौन पथिक भंडारी सामने रहेंगे विश्वजीत पिशु काफी खेले हैं उनके साथ जानते हैं कहां पर रखेंगे उनकी गेंद को चलिए वन टैप शॉट है भाई साहब गेंद को आंधी की कांधी की तरफ भेज देंगे इस गेंद को उठाकर लाइए इस गेंद को बाउंड्री के उस पार से पथिक भंडारी स्वागत किया है वहां पर पथिक भंडारी का इस ओवर में विश्वजीत पिशु ने Oh my God, इस बार अपस्टंप की दिशा में लगाया इस गेंद को पिछला वाला वो अक्रॉस द लाइन खेला था और दूसरा बार इस बार ऊपर की दिशा में लगातार दो गेंदों पर दो चौके क्या वापसी कर पाएंगे क्या भंडारी साहब तीसरी गेंद दर्शकों की लक्ष्य बोले क्यों तो बने भाई साहब ये लॉर्ड्स रामा चैंपियंस ट्रॉफी की जितनी भी दर्शक है उनका प्रेडिक्शन सच हुआ है
चौका लगाया, लेकिन इस हैट्रिक चौके पर कोई असर नहीं है। सुनो जी, तीन बॉलर कॉट ऑफ, चार रन पर बने। कुछ बोलबेन क्यों, एनी प्रेडिक्शन फ्रॉम एनी पर्सन? सिमोल जी का प्रेडिक्शन आया दो चौके तीन गेंदों पर। अगर तीन गेंदों पर दो चौके विशु लगा पाते हैं तो उनको 200 रुपए का इनाम पक्का है सोनू शर्मा की तरफ से। अगर तीन बॉल तीन चार मेरे बैटिंग कोच विशु फ्रॉम आदि सब नीला मजा के बाद। ओह माय गॉड, दीदी नाई भालो कुछ नाम इनका विशु है। अरे बदला लेना ये खिलाड़ी जानता है। लास्ट बॉल और लास्ट बॉल में चौका चाहिए तो कितने रुपए, 200 रुपए लेकर जाएंगे विशु जी। आर यू फाइन? ठीक है, चलो लास्ट बॉल लास्ट चौका, क्या मार पाएंगे क्या विशु? ओह माय गॉड, वाइट बॉल का इशारा है। चलिए अभी भी आपके पास मौका है। रन संख्या कितने हो चुके हैं, 45 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। लास्ट बॉल यदि चार मारते पड़े तो 200 टका पुरस्कार रहे विशुर जन। चलिए सिमुल के फेस में वो स्माइल नजर आ चुकी है। तीन ओवर में 49 रन है, अंतिम दो ओवर अभी बाकी है। हेलो हेलो, चार ओवर के समाप्ति पर 49 रन, अंतिम छह गेंदे गेंदबाजी पर आएंगे। कौन? शांति निकेतन बोलपुर का गेंदबाज विशाल, नाम इनका विशाल है। वो विशाल वाली गेंदबाजी भी करनी पड़ेगी साहब। वाले भाई साहब जो विकेट का पतन हुआ है, जाएंगे बबलू और आएंगे कौन? मेन फ्रॉम दुर्गापुर, इंद्रो। ये राइट हैंडेड इंद्रो है, ये दुर्गापुर का ये खिलाड़ी है इंद्रो। 49 रन बोर्ड पर है, अंतिम और पांचवा ओवर ये प्रगति पर चलता हुआ। गेंदबाजी पर विशाल, ज्यादा दिखता नहीं है गेंदबाजी करते हुए। लिंक ताले की तरह लॉक लगाइए जनाब, और सामने इंद्र को शांत रखिए। तीन बीमार खड़ी है इस बार, इंद्र को शांत रख पाएंगे क्या? कहां रखेंगे जनाब, तीन तीन दीवार खड़ी करी है, उसके साथ एक स्लीपर भी खड़ा किया है। और विकेट कीपर के बीच से मिलेंगे एक और चौका। इसी के साथ 53 रन बोर्ड पर, जोरदार तालियां हो जाए एक बार सिमल टीम के लिए। 53 रन ऑन द बोर्ड नाउ। छोटी गेंद तो हुई थी, फील्डिंग के अकॉर्डिंग गेंदबाजी नहीं हो रही है। 54 रन बोर्ड पर इसी के साथ, पिछले मैच में 56 का वो लक्ष्य था। यही देखिए कलाइयों की कला तो दिखाई थी वहां, ये सेव अच्छा है। ये मास्टर 11 की जर्सी पहने हैं विशाल, और मास्टर वाली फील्डिंग करते हुए 55 रन बोर्ड पर। इसी के साथ लास्ट टू बॉल्स, अंतिम दो गेंदे 55 रन बोर्ड पर है। लास्ट टू बॉल है, कौन सा चार रास्ते पर है? अबे नहीं करेंगे हिट वहां से, व्हाइट बॉल का इशारा है। व्हाइट दो रन, चलिए 57 रन, अभी भी दो गेंद अभी भी बाकी है। फायदा हो चुका है, ये स्ट्राइक पर रहेंगे विशु, गेंदबाजी पर विशाल।
नहीं लगाया था लेकिन वहाँ पर दीवार खड़ी करी है। डायरेक्ट हिट अंपायर का सिद्धांत चूड़ांत हो रहेगा। डिसीजन अब तक OUT। जाइए विश्व जी को क्रीज छोड़ना पड़ेगा। इसी के साथ लास्ट वाला चलिए पहले इनिंग्स की समाप्ति हो चुकी है। बल्लेबाजी नहीं मिली है, ऋतिक जी काफी नाखुश रहेंगे लेकिन आपको गेंदबाजी जरूर मिलेगी क्योंकि आप शॉर्ट हैंड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। इसी के साथ सामने विशु, विशु आ जाइए, अपना प्राइस कलेक्ट करिए। 200 टका नहीं जाओ विशु। मैच तक जीतार जन्य 5 ओवर 58 रन प्रयोजन। तो जोड़े हाथ ताली हो जा प्लीज। थैंक यू। दूसरी इनिंग्स की शुरुआत, गेंदबाजी पर रौनक। रौनक के पास सब कुछ है, गति भी है लेकिन सामने रहेंगे विशाल। बीरभूम शांति निकेतन भोलपुर का वो खिलाड़ी भाई सब कम बैक देखिए जोरदार। अच्छा क्षेत्र रक्षण वासेंद्रो की तरफ से 58 को क्या चेस कर पाएंगे क्या। छोटी गेंद है, वो छोटे टप्पे को वहां पर देख लिया था वो विशाल जी ने। छोटी गेंद और छोटी गेंद पर ये फ्लैट खड़ा करना ये जानता है ये विशाल शॉ प्रशो दिखाते हुए। गली के फील्डर को वहां पर खड़ा करेंगे। व्हाइट बॉल का इशारा करेंगे यहाँ से मैच ऑफिशियल। अच्छा शॉट है जनाब, अब स्टंप पर रख रहे हैं और सही टप्पे पर बल्ले को वहां पर यूज कर रहे हैं। एक और चौका आता हुआ, 13 रन बोर्ड पर इसी के साथ। ये पहला ओवर अभी प्रगति पर है, बातचीत करते हुए वहां से रौनक को समझाते हुए कि आप इस टप्पे को चेंज करिए। क्या लगता है वैसे बॉल को करेंगे बॉल? लास्ट टू बॉल्स रिमेनिंग है, अंतिम दो गेंद क्या होने वाला है अंतिम दो गेंदों पर। राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे इस बार विशाल को। अच्छा टप्पा है ये, तो 5 गेंदों पर 14 रन आए नए बल्लेबाज। बल्लेबाज ही पर आएंगे और को साइड को चेंज करें। लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर, सामने रहेंगे और को गेंदबाजी पर रौनक।
ये भाई साहब ये फ्लाइंग बिशु है, ये फ्लाइंग नहीं बोल सकते, जंपिंग बिशु है, कंगारू की तरह जंप लगाता है। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति, इन द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर द टोटल स्कोर ऑफ टीम एक ओवर के समाप्ति पर टीम टीकू का टोटल स्कोर 14 रन बोर्ड पर। इस टीम के पैकर बोल सकते हैं और ओनर को खड़ा किया है वहां पर लाइक टाइटेनिक पोज की तरह, सिंगल तैयार वहां पर, और बल्लेबाजी पर बिशु बिशा। ये देखिए स्कोर गेंद थी, गेंद में गति नहीं थी उस कारण गेंद नहीं पहुंची। अच्छा टप्पा, ये पढ़ने के बाद बाहर की तरफ निकली थी ये गेंद, लगातार दो बॉल डॉट, अब तक नहीं भर पा रहे हैं उनकी गेंदों को। 58 का वो लक्ष्य, क्या करेंगे यहां से, लगातार तीन बॉल डॉट, अब तक तीन गेंदों पर कोई रन नहीं है, प्रेशर में विशाल। चार बॉल है अब तक, चार बॉलों में अब तक कोई रन नहीं है, क्या करेंगे अंतिम दो गेंदों पर, क्या ये चार जो बॉल है ना ये क्या प्रेशर का रोल निभाएगी, क्या ये लास्ट में जाकर 58 का टारगेट है, ये लास्ट टू बॉल्स, दो गेंदों पर दो चौके, 200 रुपए का इनाम है सोनू जी की तरफ से विशाल जी को। अब तक पांच गेंदों पर एक ही चौका आया है, रन संख्या 18 है। दूसरा ओवर ये प्रगति पर, अंतिम गेंद इस ओवर की, गेंदबाजी पर बबलू जी, सेव हो सकता था क्या ये, क्या ये सेव हो सकता था, एक चौका कम हो सकता था इस ओवर में। चलिए चौके के साथ ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति पर 22 रन। तीन ओवर अभी भी बाकी है, दो ओवर के समाप्ति पर 22 रन है, तीन ओवर में 36 रन चाहिए अभी भी। स्ट्राइक पर रहेंगे और को गेंदबाजी पर रहेंगे कौन, भौतिक ऋतिक जी अच्छी गेंदबाजी से जाने जाते हैं, लेकिन ये पिच अलग है, ये मिट्टी अलग है, इस पिच पर कैसे गेंदबाजी करेंगे यहाँ पर, नहीं पढ़ पाए उस गेंद को, और तो क्या करेंगे इनकी गेंद पर। डायरेक्ट हिट, ये अगर हिट करते तो ये लगता है बबलू जी को, ये खुद ही खेल रहे हैं, ये कितने फील्डर हैं। अच्छी गेंद थी, पढ़ने के बाद थोड़ा सा उछाल मिला था, ये गेंदबाजी पर कौन है, ऋतिक है, शॉर्ट हैंड का वो गेंदबाज है, पूरे पश्चिम बंगाल में अपना दबदबा बनाता है, आज भी भूम में चमकता हुआ सितारा ये ऋतिक। हिट विकेट हो गए हैं जनाब, वो टक वाला आवाज तो आया था, वो ड्यूस के बैट के तरह, जैसे सिंथेटिक बॉल जब बल्ले से टकराती है ना, और जितने यूट्यूबर्स आरएक्स स्पोर्ट्स हैं यहाँ पर, वो जो साउंड लगाते हैं वो टक वाला साउंड, और जो बैकग्राउंड में जो म्यूजिक लगाते हैं वैसे साउंड आया था, लेकिन जाना पड़ेगा यहाँ से, एक और झटका टीम पिकू। तीन ओवर के समाप्ति पर 22 रन अब तक, और वही है यहाँ पर बबलू जी, और सामने रहेंगे विशाल। कमान भाई, ये किसको लगा ये चौड़ को, ठीक है, ऐसे ऐसे काफी शॉट चाहिए इस ओवर में, तो काफी शॉट चाहिए तभी
मुकाबले में बने रहेंगे आप। का ये छोटी गेंद रह गई है, टप्पा अच्छा नहीं मिला है, ये दो गेंदों पर दो चौका। क्या पिछले ओवर की भरपाई क्या कर पाएंगे क्या विशाल, देखने वाली बात रहने वाली यहाँ पर। बल्ला काफी नीचे पहले आ गया था, ये व्हाइट बॉल का इशारा है। और चौका आता हुआ विशाल के बल्ले से, पिछले ओवर में शांत रखा था उनको, लेकिन इस ओवर में वो टेरिफिक वाले बल्लेबाजी करते हुए। 35 रन आपका बोर्ड पर। अभी भी यहाँ से 23 रन की दरकार है, चौथा ओवर ये प्रगति पर। हम दो विकेट गेंदबाजी करेंगे इस बार विशाल को। जितना चौथा है और सीधा मोल्लारपुर से बोलपुर की तरफ इस गेम को ट्रेवल करवाएंगे, मिलेंगे 4 रन इस गेम पर। 39 रन बोर्ड पर अब तक, लगातार 4 गेंदों पर 4 चौके क्या लग चुके हैं क्या। पिछले ओवर में से शांत रखा था विशाल जी को बदला लेते हुए, ये रिवेंज जिसको बोलते हैं। पिछला ओवर वो बबलू जी का ही ओवर था और सामने विशाल शांत खड़े थे। इस ओवर में क्या होने वाला है, और ये जो लॉर्ड्स रामा चैंपियंस ट्रॉफी का जो कप है ना, काफी यूनिक कप, बीरभूम में फर्स्ट टाइम ऐसे कप, जैसे कोलकाता में कुछ दिन पहले गोल्डन कप हुआ था, तो वैसे ये वुडन कप, ये सीरियसली वुडन कप, काफी अच्छा ये चूज अप किया है। चलिए इस टीम के ओनर को खड़ा किया है, सामने रहेंगे विशाल गेंदबाजी पर। रन है, चार गेंदे हैं, चले 5 गेंदे हो चुकी है, 5 गेंदों पर अब तक 4 चौके लगे, अंतिम गेंद है। विशाल चाहेंगे कि अंतिम गेंदों पर ये चौका आए जरूर, बबलू जी क्या डिफेंड कर पाएंगे क्या। लास्ट बॉल है चार्टर डिफेंड ऑफ एन की, ये जनाब ये बीरभूम का चतुर चालाक चंचल ये खिलाड़ी है, अपोनेंट खिलाड़ी को नहीं नॉन स्ट्राइक के खिलाड़ी को बोलता है सिंगल, लेकिन चौका लगाता है ये होनहार ये खिलाड़ी। जोरदार तालियां हो जाए विशाल के लिए एक बार। 4 ओवर के समाप्ति पर 43 रन, तो 6 गेंदों पर कितने रन चाहिए, 6 गेंदों पर 15 रन की है दरकार। क्या बना पाएंगे क्या अपनी सरकार टीम से, लोग देखने वाली बात रहने वाली यहाँ पर। बैट्समैन नेम विशाल, बैट्समैन नेम के इशू प्रोटेक्शन देते हुए बल्लेबाजी पर, मेन फ्रॉम जमैका पकला। ओह माय गॉड, देखिए अच्छा पथिक भंडारी का कॉल आ रहा है दर्शकों की तरफ से कि पथिराने की तरह नजर आते हैं थोड़ा बहुत, ये इनाम बाजार का खिलाड़ी है ये मथीशा पथिराना नहीं।
अधिकारी बोलते हुए कि गेंदबाजी के पेमेंट के साथ साथ मुझे बल्लेबाजी का भी पेमेंट करिएगा टीम ओनर को 47 रन इसी के साथ 58 का लक्ष्य है। चार गेंदों पर 11 रन यहां से। हम पैसे से फेयर डिलीवरी तो ठीक है तीन गेंद अंतिम तीन गेंद 11 रन की है दरकार टीम शिमुल या टीम पिकू तीन बॉले 11 रन है प्रयोजन दर्शक की लाख से तीन बॉले 11 बैटिंग टीम ना बॉलिंग टीम बैटिंग तो बैटिंग टीम जरा बोलते ना अपना हाथ तुलबेन किंतु प्लीज बैटिंग टीम के क्या सपोर्ट करते ना बोले करने देखा जाए एंड बॉलिंग टीम के बॉलिंग टीम बॉलिंग टीम के बॉलिंग इसे बॉलिंग टीम यहाँ पर सपोर्ट है सोनू शर्मा बॉलिंग को सपोर्ट कर रहे हैं तीन गेंदों पर 11 रन बल्लेबाजी टीम का सपोर्ट ज्यादा है स्ट्राइक पर सेट विशाल खड़े हैं शांति निकेतन का एक खिलाड़ी शांति निकेतन से आते हैं लेकिन अत्याचार करते हुए सामने पर गेंदबाज पर बबलू जी पर रंजीत से काफी होप के साथ उतरे इस मैदान पर कि अपनी टीम को मैच जीता है लेकिन उनके होप पर वो पानी फेरते हुए वो नहीं बोलने मेहमानों को यहाँ पर इज्जत दुर्भूम का वो सितारा है और दुर्भूम में चमकता हुआ नजर आ रहा है आज एक प्रेशर विशाल नाम इनका विशाल है वो विशाल घातक रूप से बल्लेबाजी करते हुए एक दिन तक ब्लैक बॉल एक तीन रन एंड प्रयोजन दर्शकों के कदम हटते हुए दर्शकों के दर्शकों ओ माय गॉड वन ऑफ द बेस्ट मैच अब तक का लॉर्ड रामा चैंपियंस ट्रॉफी का सीजन टू लॉर्ड रामा चैंपियंस ट्रॉफी का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच स्ट्राइक पर रहेंगे विशाल बाजी कर रहे जीत को एक गेम में तीन रन सामने आ रहे स्पोर्ट का ये कैमरा एक बॉल तीन रन सामने को काफी अच्छी तरीके से जीता है मेरी मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन और इस मैच के हीरो ऑफ द मैच रहेंगे कौन लॉटरी विशाल लॉटरी जो विनिंग टीम के कैप्टन ने पिछले ऐसा जो उन्होंने जाना बोल सर लॉटरी ¿Cuánto hay? 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 ¿
হাই হচ্ছে রেখে দিয়েছে সকাল তো যখন স্টার্ট করলাম তখন অফ করে আপনার বুঝা যাবে না কত জন এখন দেখছে আরো ভালো হবে আশা করছি জানিস ছেলেটা কোথা করবে ভালো শুরু থেকে না আমার থেকে তো অনেক ছোট আমার সূর্যর বয়স হবে 22 আমার থেকে কত আছে হ্যাঁ লাইট চলে গেল আমাদের বয়স কত আছে 26 27 আমার তো মোটো 25 হ্যাঁ তো আমার 26 27 ঠিক আছে তোমার 22 23 এর বছর বয়স বয়স ছেলে এবার বুঝবে খেলা কার নম্বর অর্পণে এ অর্পণ আমাকে চিনিস না রকি ছোট ভাই ছোট ভাই আমাকে বড় দেখতে লাগবে কিন্তু আমার ওর থেকে দেড় বছরের ছোট কথাবার্তা কৌলিন কেলো রে বাল খুব মারি খেয়েছিস তো
ছিল কত বলে এই ভাই
सिंगल लाओगे नहीं गोवा पावे ना बड़ा बॉल सिंगल लाओ बड़ा ढलाई लो माटी बोटे खर्चा पता भी मार दे मल्लापुर मध्य जी तुम नहीं आसो हमें सप्तम थकब हमें सप्तम के लिए थकब मल्लापुर बाहर मल्लापुर मल्लापुर ভালো খেলে প্রথম বলে চাপ দেখলে ভাই বেটো
60 টাকা তোমার আমার Rocky, tino war, paanch war hai. হ্যাঁ
जीतले पर दो तुम्हें खाले पर तो बांधो बारिश में बारिश में সন্ধ্যজল বাড়ি থাকে দুর্গাপুর, ছেলেগুলো নিয়ে আসে না দেখো হিন্দু বলে হিন্দি কোথাও বলে তিনটা কি চারটে ছেলে হিন্দি কোথাও দেখো হিন্দি কোথাও বলবে সন্ধ্যার ছেলেগুলো আছে সব হিন্দি কোথাও বলবে রিএন্ট্রি করিয়ে পর রকি চার্জার সব হটাইল আনি খালি ই লিখ তা কা বলবে চার্জ ফুল হয়ে গেল ফুল হয়ে গেল চার্জ এক জানা চার্জ নিখে
অষ্টম দা কই চলে গেল অষ্টম দা হ্যাঁ মালা এমনি কথা বলছিস তুই আউট 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 ভালো 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 শুরু হয়েছে
বলো 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 লেকাম্পিয়ার কে বলো সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে বড় মিলে যাবে দেখি ভাই হ্যাঁ কিছু হয়নি একটা ডট পড়া 25 হয়েছে একটা ছেড়ে দেবো বিশাল একদিকে না হলে না চললে এরকম লাগিয়ে রেখে দেবো चलिए दो ओवर के समाप्ति पर 34 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। स्ट्राइक पर रहेंगे इंद्रो, गेंदबाजी पर कौन? ए रॉकी एक टक 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 ए सोनू चले इधर एक टक 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 इम्तियाज तीसरा ओवर प्रगति पर। सामने राइट हैंडेड बल्लेबाज इंद्रो, इस गेंद पर अच्छी उछाल थी। নো দিয়েছিলে কম্পিয়ার কিছু করে এ ভাই এদিকে ধ্যান দে প্লিজ। বার ও ভাই সাহেব জব अगर सीधे उंगली से घी ना निकले ना तो इंद्रोजी नहीं जानते हैं कि वो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो यहां पर उंगली को टेढ़ा नहीं किया, बल्ले को टेढ़ा कर कर चौके को निकालेंगे इस बार। 43 रन बोर्ड पर, 43 रन बोर्ड पर इसी के साथ तीसरा ओवर ये प्रगति पर चलता हुआ। काफी वाइटल ये मुकाबला, दोनों टीम को जीतना बेहद जरूरी। कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतने वाली है? बॉडी टच हुआ यार, बाउंड्री के बाहर। सौरभ बैनर्जी गेंद को कैच करेंगे। इसी के साथ 47 रन बोर्ड पर, 47 रन इन द बोर्ड नाउ। तीसरा ओवर ये प्रगति पर। सारे यहाँ पर ये अंबुजा सीमेंट की दीवार बने खड़े, क्योंकि वो वाली जो जगह है ना काफी भाई साहब, यहाँ पर विशाल और इंद्रो की रनिंग हुई थी, जहां पर जिस रेस में इंद्रो काफी जीत गए हैं। 49 रन्स, स्ट्राइक पर बबली जी तैयार है इस बार। रंजीत गोप, चलिए कहां गई ये गेंद? भाई स्टंप पर टकरा कर ये सीधा सीमा के उस पार जाएगी गेंद। स्ट्राइक पर आएंगे कौन? वही वाणी किशान पिशु, वो मुर्शिदाबाद से चलकर बीरभूम की तरफ आए हैं। मोल्लारपुर में आज लॉर्ड रामा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, सीजन 2। पहला मुकाबला अच्छा रहा था उनका। तो
लास्ट थ्री बॉल्स रिमेनिंग ऑफ दिस ओवर, अंतिम तीन गेंद इस ओवर की। स्ट्राइक पर विशु, इतना जोर से बल्ला घुमा रहे हो, मैट हवा में उड़ जा रही है। ओके, अच्छा बैट स्विंग इस बार ये भाई, ये शॉट नहीं है, ये विशु का ये ट्रेमेंडस शॉट है, ये टांग उठाकर चौका लगाया ये, कहीं नहीं मिलेगा, बस वे विशु के पिटारे में मिलेगा आपको ये। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, तीन ओवर के समाप्ति पर 54 रन्स इन द बोर्ड। तीन ओवर से 54 रन टू विकेट पर गमाए। चलिए चौथा ओवर लेकर आएंगे कौन, विशाल सामने विशु, और बार टांग उठाकर मारने का प्रयास। ओह माय गॉड, ये गेंद क्या उतरना चाहिए था क्या, लेकिन ये गेंद जाएगा चार रन देकर। इसी के साथ 58 रन्स, 58 पर पहुंच चुका है, कितने तक जाने वाले, इसके बाद एक और ओवर अभी भी बाकी है। ओह माय गॉड, गोइंग टॉप पोजीशन एंड रिमेंबर द नेम, ही इज विश्वजीत विशु फ्रॉम आदि मुर्शिदाबाद का ये खिलाड़ी। अगर लॉन्ग क्रिकेट की बात करें, आपने देखा होगा रेड कैप काफी लोग पहनते हैं, एक रेड कैप पहने आपको जैन मिर्जा को देखा होगा, और ये शॉर्ट हैंड में ये वाइट बॉल है, यहाँ से विशु पहनते हैं शॉर्ट हैंड में रेड कैप, जॉन्डी सरकार भी देखा है मैंने उनको पहनते हुए। इस बार और को की तरफ ये गेंद जाएगी, स्लिपर का रोल वहां पर निभाते हुए, अच्छा क्षेत्ररक्षण वगैरह बचाएंगे कुछ, फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव करते हैं, विशाल कहां रखेंगे यहां से उनको। शॉट कैसा था भाई, कौन सा शॉट है, शॉट को मैं क्या नाम दूं, अब डिक्शनरी फेल वाला शॉट है। 67 रन इसी के साथ, बाप रे बाप, रन छुपियो दे बाप में, डीएससी का बल्ला है, लेकिन विशाल थोड़ा सा वो टेंशन मोड में जाते हुए, तो दर्शक चाहेगी कि विशाल के बल्ले से वो हमने लास्ट मैच वाली पारी देखी। दर्शक देखते पाबो तो हमारा विशाल बैठ के आरक पर सेम पारी, आप लोग बैठे हैं ना विशाल की वो पारी देखने के लिए, एकदम बैठे हैं। 71 रन बोर्ड पर लग चुके हैं, अभी तक का ये लॉर्ड रामा चैंपियंस ऑफ सीजन 2 का हाईएस्ट स्कोर 71 रन, और रन आएंगे अभी, इसके बाद एक और ओवर बाकी है। इंद्रो अपने पास स्ट्राइक को रखेंगे, चार ओवर के समाप्ति पर 71 रन एंड 6 बॉल्स आल्सो रिमेनिंग अब तक। चलिए अभी कौन रहेगा, गेंदबाजी करेंगे रॉकी एलेक्स स्पोर्ट्स के ओनर, सामने रहेंगे इंद्रो। अब देखने वाली बात ये रहेगी, कैमरे को छोड़कर क्या गेंदबाजी में भी ध्यान देते हैं क्या। भाई पनिशमेंट मिलेगा आपको, ये इससे अच्छा है कि आप 10 बार उठक बैठक कर लीजिए कान पकड़ के। चौका, पहला चौका, एक और बार, वंस अगेन वंस मोर, इंद्रो इज ऑन फायर नाउ, क्या लगा पाएंगे एक और चौका। इसी के साथ 79 रन बोर्ड पर, दो गेंदों पर दो चौका, अभी भी और चार आने वाले हैं। एक और लगातार तीन गेंदों पर तीन चौके, सोनू शर्मा कहां है, सोनू शर्मा घर चल रहा है, राशि रन बोर्ड पर लगातार तीन गेंदों पर तीन चौके आ चुके हैं, अभी भी तीन गेंद शेष हैं। रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, ये भाई साहब उस कैप को ढूंढ निकाले, एक और चौका, हाउ मच, 87 रन सर, चार बॉले चट्टी चार मेरे बैक कोच इंद्रो, इस बार रोकेंगे और को वहां पर, तो चार चौके आए हैं पांच गेंदों पर, एक और आएगा कि जी जरूर आएगा, और चौका देकर भी जाएगा। इसके साथ 87 प्लस 4 91 रन सर, 92 रन, तो दर्शक ने जोड़ा हाथ ताली हो जाए, एक टोटल एक जोड़ लो, पांच ओवर है, 92 रन है प्रयोजन, सरेंडर कर दिए थे ना दर्शक, ये भी शॉर्ट हैंड है, यहाँ पर आपको दिखेगा मजा आने वाला है, अभी नहीं हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पिछला मुकाबला शिमुल जी ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी,
लेकिन ओपोनेंट ने उस मुकाबले को जीत लिया था। वो विशाल की वैसे विशाल वाली पारी क्या देखने को मिलेगी क्या? जहां से उन्होंने खत्म किया था उस पारी को, वहीं से क्या रिस्टार्ट कर पाएंगे क्या? अब देखने वाली बात ये रहेगी क्या विशाल क्या स्ट्राइक करने वाले हैं इसे। तीन छह दर्शक विशाल स्ट्राइक कर पाएगी थोड़ा सा चिंताजनक विषय, किसको भेजेंगे स्ट्राइक पर? विशाल तो जरूर आएंगे, उनके साथ देने वाला कौन आएगा? सिमुल के फेस में पिछले मुकाबले में भी स्माइल थी। सिमुल की लक्ष्य है मैसे किया अच्छा, थैंक यू चेष्टा को ले साहब अभी स्ट्राइक करेंगे विशाल और गेंदबाजी करेंगे ऋतिक शर्मा फ्रॉम दुर्गापुर। चले ऋतिक शर्मा सामने विशाल, ये पांच ओवर है बिना नंबर दादा। गुड मॉर्निंग, शॉक लगा ना? ये देखिए क्रिकेट को छोड़कर बास्केटबॉल में भी ध्यान दीजिए या वॉलीबॉल में भी। विशु फुल टॉस गेंद को फुल टोल देकर भेजेंगे मिड ऑन की दिशा में, एक और चौका विशाल के बल्ले से। अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा वहां से ऋषभ कुमार के द्वारा, बुआ के नाम से फेमस है पूरे पश्चिम बंगाल शॉर्ट एंड क्रिकेट की दुनिया में। ये स्लोअर गेंद है, काफी ऊपर से हाई आर्म एक्शन के साथ फेंका था लेकिन उस टप्पे को पड़ा है विशाल जी ने। विशाल शो क्या फिर से अपना शो दिखा पाएंगे क्या? लास्ट मैच के अल्ट्रा ओ माय गॉड, ये रुक सकता था क्या? इसको फील्डिंग करते हैं विशु, एक ओवर से कत रन? ओनली 12। अब गेंदबाजी पर आएंगे सौरभ दा, अब सामने रहेंगे और को लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, काफी अच्छी गेंदबाजी करने से जाने जाते हैं सौरभ को भी। चलिए इस बार इस गेंद को विकेट कीपर बुआ और विशु बातचीत करेंगे आपस में, गेंद को उठाकर लाना पड़ेगा बाउंड्री के उस पार। एक और चौका ओवर एक पूरी पूरे दौड़कर की लक्ष्य दादा अबे स्ट्राइक पर और को सामने सौरभ दा फुल टॉस की। ओ माय गॉड, ये इंद्रो है जनाब, ये जानता है, ये गेंद को रोकना जानता है, ये खिलाड़ी है, अद्भुत है ये खिलाड़ी। सोलह रन है बोर्ड पर, चार चौके आए अब तक। ओह माय गॉड, ये टर्न देखिए जनाब, ये उंगलियां फेरते हैं गेंदों के ऊपर। ये अच्छा शॉट इस बार, ये सिमुल है, ये क्यूट सिमुल है, नाम इनका क्यूट है और क्यूटेस्ट फील्डिंग करते हुए पूरे सोशल मीडिया में चमकता है ये खिलाड़ी है। वन टैप शॉट 495 का डैमेज देकर सीमा के उस पार जाएगा चौके के लिए। इसके साथ 20 रन इन द बोर्ड नाउ, द कंप्लीशन ऑफ सेकंड ओवर 20 रन इसी के साथ। इस बार रौनक आएंगे क्या अपनी गेंदबाजी से, क्या रौनक क्या और चमका पाएंगे, क्या रौनक क्या ला पाएंगे क्या अपनी गेंदबाजी से? देखा था उनको गोपालपुर प्रीमियर लीग में अच्छी गेंदबाजी करी थी, उत्तर पाला चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनको देखा था अच्छी गेंदबाजी करते नजर आए थे। क्या इस मल्लारपुर के इस सर जमीन में क्या चमक पाएंगे क्या? ये अच्छा शॉट है जनाब, इसको नहीं रोक पाएंगे, वो विकेट कीपर और स्लीपर के बीच से गैप को निकाला। ये देखिए फोटो क्लिक करते हुए जसीम रहमान जी, इंद्रो जी का फोटो क्लिक किया है। 24 रन बोर्ड पर क्या करेंगे अब तक?
ओ भाई साहब क्या वैसी पारी देखने को मिलेगी क्या दर्शक दर्शक एकदम जो है हत्ता पर विशाल खड़े हैं आपकी नींद उड़ाने आबार चार चार तो है जी अंपायर देखते हुए चेकअप करते हुए डिसीजन अब तक पेंडिंग सर इट्स अ फेयर डिलीवरी रन ऑफ द की बॉल एटा की फेयर तो इट्स अ फेयर डिलीवरी सर छोड़ दीजिए प्लीज हां हां ठीक बोल बंदा भाई साहब ये शो देखिए ये शांति निकेतन बोलपुर का खिलाड़ी है मल्लारपुर में अपनी सरकार बनाने को एकदम तैयार है भूल जाइए आप सारी सरकार को विशाल शो देखिए आप 36 रन इसी के साथ बोर्ड पर ओ माय गॉड सुंदर अद्भुत अविश्वसनीय ये शॉट स्ट्राइक पर विशाल अपना शो दिखाते हुए कोई गेंदबाज यहाँ पर चलने नहीं वाला है यहाँ पर ये बाजी कौन करेगा इस बार ऋषभ कुमार जी आएंगे क्या तीन ओवर से 40 रन तो 40 दो ओवर में 52 रन ओ माय गॉड थ्रू द कवर्स इनटू द फैंस कम्स लाइक अ ट्रेजर बुलेट्स It's a no ball. No ball का इशारा किया चलिए एक नहीं मिलती अब तीन नहीं है एक सर ये देखिए जंप तो करा था क्या पैडल शॉट लगा सकते थे क्या इस बार होने के गेंद को डिफेंड करेंगे वहां से जड़ में रखने का प्रयास अब देखने वाली बात ये रहेगी कितने करीब तक पहुंच पाएंगे ये 92 के अपोनेंट टीम बल्ला काफी लेट रह गया पीछे चार ओवर से सबको 50 रन छ बोले कत रन प्रयोजन विशाल की छह बोले छोटे चार मारते पारबे टारगेट दी थी बारिश हो रही थी कॉन्ग्रेचुलेशन टीम शिमुल সামনে বড় বল ঠিক রাখতে পারবে ঢালাই ভেঙে যাবে ঘুমাতে দেবে তাও ছবি বানা বসে আছে সকালে ছিলাম নেবে খেলা হবে খেলা
হচ্ছে কিন্তু সকালবেলায় সবাই চুল কাটতে চলে এসেছে দোকানে খেলাতে আনন্দ হচ্ছে, অনেক কিছু মাত্রা বুঝতে আছে। কে বসিস না ভাই, উঠি আমি ভাঙা আছে যে গো। কোন চ্যানেল বটে এটা? কোন চ্যানেল লাইভ হচ্ছে? তো ফেসবুকে। ফেসবুকে বলো সীমন্ত। হ্যাঁ সীমন্ত, ছবি তুলবি? ছবি আমাদেরই খেলা। এই তো এইখানে লাইভ চলছে। এ লাইক করো, লাইক। রিসুদা রকিদা, তোমার 1 মিলিয়ন লাইক হয়ে গেছে। শুনতে পাবে খেলা দেবে। একজন দেখছি লক করে দিয়েছে, কিছু দেখতে পাবো না। কমেন্ট ফমেন্ট হবে যাবে কিছু না, কিছু না, বন্ধ করে দিয়েছে। ও লক করে দিয়েছে টোটালি, লক আছে। ওর ছোট ভাই আমি, সব সবাই ভাবে আমি বড়। হ্যাঁ, ওর ছোট ভাই, 1.5 বছরের ছোট আমি। সবাই বলে মোল্লারপুরে যত জন আছে সবাই বলে তুই বড় ভাই থেকে, তুই বড়। 1.5 বছরের ছোট আমি ওর থেকে।
আচ্ছা প্লেয়ার গুলা কথা করবে তাই তোমার সব হ্যাঁ আচ্ছা প্লেয়ার গুলা নিয়ে এসো বড় সত্যি হচ্ছে रोमान जी को इसी के साथ एक ओवर के समाप्ति पर 24 रन दूसरा ओवर कौन डालेगा पिट्टू सामने रहेंगे विशु छोटू सर ए तो क्या आगे बोले छिलाम भीतर बोलटा ढुके गए छे तूल दिखे तो काड़े स्ट्राइक पर रहेंगे ऋषु सामने छोटू गेंदबाज गेंदबाजी अब तक दो गेंद दौड़ रखी है ऋषु जी को क्या करेंगे अगली गेंद पर नहीं तीन बॉल डॉट है तीन बिंदी गेंद अब तक गेंदबाजी अब तक देखिए इस बार वो चांटा सा जड़ा है गेंद को काफी दूर भेजा है तो सामने विंडो शॉट बोल सकते हैं आप इसको 28 रन बोर्ड पर अब तक चार गेंदों पर अब तक एक ही चौके लगाया है इन्होंने क्या करेंगे छोटू अपनी पांचवी गेंद पर आउट जाना पड़ेगा इस बार बल्लेबाजी पर आएंगे वो बीरभूम का लड़का है सुमंतो घोष फ्रॉम दक्षिण ग्राम दो ओवर से रन संख्या कत 28 रन गेंदबाजी पर आएंगे नियामुल सामने रहेंगे जसीम रहमान गेंद को फुल टॉस बनाया फुल टॉस बनाकर फुल टोल इन टू द बाउंड्री नाउ 32 रन इसी के साथ 32 रन बोर्ड पर नियामुल क्या करेंगे अगली गेंद पर जसीम रहमान को कहां पर रखेंगे ओ माय गॉड ये भाई साहब ये गैप देखिए ये बोर्ड पर अब तक सेव नहीं हुआ है वाइट प्लस फोर पांच रन एक्स्ट्रा की झोली पर 41 रन इसी के साथ 41 रन बोर्ड है टॉस बनाया था लेकिन अच्छा से वहां से बिट्टू की तरफ से
छोटू के तरफ से ये फुल टॉस है जनाब। चलिए अच्छा फील्डिंग का मजा आ रहा वहां से। ये वाली गेंद अच्छी नहीं थी, फुल टॉस गेंद थी, लेकिन छोटू के द्वारा वहां पर अच्छा क्षेत्र रक्षण मिल सकते हैं आप। एक और ओवर क्या छोटू को भेजेंगे क्या? जाना चाहिए था इस टाइम पर छोटू को, मुझे तो लगता है जाना चाहिए था। बहाना बहाना चलो तीन घना तीन घना स्ट्राइक पर आएंगे शिवंतो गेंदबाजी पर अनाए। उसके बाद रहेंगे साबित हुए थे, इस बार रहेंगे जशीन लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। चलिए कहीं ना कहीं मोल्लारपुर से केतुग्राम की तरफ गेंद को ट्रेवल करवाया है 47 रन इसी के साथ। पांच बॉल गुटो रॉकी शर्मा वो शाहरुख खान के अंदाज में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के अंदाज में व्हाइट बॉल का इशारा करेंगे यहां से। इसी के साथ कितना 52 रन इसी के साथ बोर्ड पर, हाफ सेंचुरी कंप्लीटेड 52 रन बोर्ड है। ऐसा भरपूर पिटाई कर रहे हैं यहाँ पर। ओहो गौर का चिरोड़ दादा। इसी के साथ जसीम रहमान जी डगआउट की तरफ जाते हैं। अब कौन आएगा? वो बीरभूम का लड़का आने वाला है, मतलब रामपुरहाट का लड़का। सौरभ लास्ट बॉल सौरभ बैंक को सर बॉल कोटा दूधो आचे भाई एक लाख में स्ट्राइक पर सौरभ। अरे भालो ओ माय गॉड ये देखिए जनाब ये गैप देखिए, जहां से आपकी सोच खत्म होती है वहां से बैनर्जी साहब की सोच शुरुआत होती है। ठाकुर मोशा इस बार फायर मैन लगातार दो गेंदों पर दो चौके 64 रन चार ओवर से 64 रन। लास्ट ओवर सामने रहेंगे वो तो छिन ग्राम का लड़का गेंद को बहाना से कनेक्शन अच्छा खासा है मुझे लगता है। स्माइल आई है बहाना से हमने देखे स्माइल श्रीमंतो के फेस पर। जोरदार ताली एक बार ये देखिए पहाना का नाम लेने के साथ साथ बंदा चमक रहा है भाई साहब। ये 24 कैरेट खरा सोना 16 कला संपूर्ण। और चलिए मैच ऑफिशियल रॉकी शर्मा की उंगली खड़ी होगी, जाना पड़ेगा इन टू द डगआउट। नए बल्लेबाज आकाश हेलमेट बंटवा दीजिए जनाब, वहां पर दर्शकों को हेलमेट बंटवा दीजिए, वरना यहां से रामपुरा सभी से एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। 72 रन इसी के साथ
ऐसा लग रहा है। आप अपना नाम बताइए, काफी देर से मैं आपको देख रहा हूँ। शुभम कुमार शर्मा। शर्मा आप क्रिकेट खेलते हैं? आप लोग एंजॉय लीजिए, हालांकि चल रहा है एंजॉय। सप्तम दिया बैक टू बैक थ्री हिटो, चलिए स्टार्ट कीजिए आप तो आपका बैट से कुछ चलना चाहिए। भैया दीजिए दीजिए, लगा वाइट बॉल यार। अंपायर हटना चाहिए क्या आपको? इसको पानी पूछिए, पानी नहीं।
লাভলি শট লাভলি লাভলি সপ্তম লাভলি শট ভাই চলবে তুমি চালিয়ে যাও ব্যাক টু ব্যাক লাভলি শট ভাই বলার কিছু কাজ দেখাচ্ছে ওর হাতে সেটা ভাই হোক ব্যাক টু চা এনজয় নিচ্ছে দর্শকরা লাভলি শট খুব সুন্দর वाइड वॉल तो सुन दो दिस टाइम अंपायर एट शॉट सप्तम दर्शक का आशा करे नहीं है दोनों शॉट लक बैड लक বসতে হবে ভাই আমার দরকার নয় বাড়া ভরি তো নাম ভরি নাম
আমি দেখাবো